हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एसआर। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी को अच्छे होंगे। और दोस्तों जैसे आप लोग ने मेरा थंबनेल देख के समझ ही गया है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, तो हाँ दोस्तों आज हम जा रहे हैं अंजना धाम, जो रांची से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है, जो गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। और आज हम वहीं जा रहे हैं। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, और इसके साथ ढेर सारी रहस्यमय चीज़ें भी है जो आज हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहे, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल में हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और आज का जो मेरा पार्टनर है दोस्तों, मेरा कज़न भाई सुजीत, आज मैं उसके साथ जा रहा हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहे, मिलते हैं हम आगे। गाइस, फाइनली हम अभी आधा रास्ता से ज़्यादा पहुंच गए हैं। अभी हम पहुंच गए हैं सिसई चौक है ये। और अभी हम यहाँ से लगभग और 30 किलोमीटर यहाँ से जहाँ हमें पहुंचनी है। तो आप लोग बने रहे, ये देखिए सुजीत के साथ आया, हाई कर दे, आज मेरा पार्टनर यही है। तो चलिए चलते हैं, कुछ ही देर इंतज़ार करने के बाद हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। वैसे ही बने रहे। और दोस्तों हमने रास्ता कंफर्मेशन कर लिया है, और जो रास्ता भी हम पकड़े हैं वो एक गांव का रास्ता है, जिससे हम सीधा अंजनी धाम निकलेंगे। और जो मेन रास्ता था, अबे आराम से जो मेन रास्ता था वहाँ से अगर हाईवे पकड़ के हम जाते तो हमें कम से कम 12-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगता, लेकिन हम बोले कि नहीं, बीच रास्ता से, गाँव के बीच रास्ते से निकलते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा रास्ता है। ये देखिए कैसा रास्ता है गांव का। आराम से चलो, वेरी गुड। सुजीत का ड्राइव कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन ड्राइव करते हैं ये, हमेशा अपने बाइक से ही ये घर आना जाना करते हैं। और ये देखिए दोस्तों गांव की हरियाली और खूबसूरती, काफ़ी खूबसूरत है नज़ारा आज का। और हम इस आनंद भरे नज़ारे के साथ यहाँ से गुजर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, बने रहें, आपको हम आगे मिलते हैं। अब हम नहर वाला रास्ता छोड़ के पहुँच चुके हैं मेन रास्ते पे। अब हम यहाँ से कुछ ही दूर में हमें एक गाँव मिलेगी, गाँव को क्रॉस करके के फिर उससे आगे कुछ दूर हम पहुंच जाएंगे अंजना धाम। ये देखिए दोस्तों अंजना धाम मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो चौक है, ये चौक का नाम है टोटो चौक, इस जगह का नाम टोटो। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आइए, और इस रास्ते से हमें 9 किलोमीटर अंदर की तरफ घुसनी है। और चलो ये जो रोड दिख रहा है, ये रांची से आया हुआ रोड है, वो बीच से फिर हम इधर अंदर की तरफ घुस रहे हैं।
ये देखिए दोस्तों, मांजनी धाम का मेन गेट है ये। यहाँ से हमें एंट्री करनी है और अभी हम आए हैं इधर से और हमें अंदर की तरफ जानी है। और यहाँ पर कुछ पूजा की दुकानें लगी हुई है तो अभी हम अंदर जाके देखते हैं। चलो गाइज, अभी हम नहीं पहुँचे। ये भी अंजनी धाम ही है, अंजनी माँ धाम है ये। और जहाँ हमें जाना है अंजना धाम, और वो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे हैं। तो हम यहाँ पे गलती से रुक गए थे। तो यहाँ भी एक मंदिर है पीछे में, आप देख सकते हैं। तो हम जहाँ पे जाना है हमें, हम वहाँ पे जाएंगे और फिर उसके बाद फिर हम वापसी में इधर रुकेंगे। तो चलिए आपको आगे लेके चलते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको। है दोस्तों, फाइनली हम अंजना धाम पहुँच गए हैं। और जो इससे पहले जो यहाँ पहुँचे थे वो भी एक मंदिर थे, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं जाना था, हमें यहाँ पे आना था। जैसे आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये इसका एंट्री गेट है। फिर यहाँ से हमें अंदर की तरफ जानी है, तो आपको दिखाते हुए चलते हैं। ये देखिए, अंजना धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। गुमला 1 प्रखंड गुमला। यहाँ पर बाबा जी लोग बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दो तरह का दिया हुआ है, दोनों से जाना है क्या है? और ये देखिए बड़ा सा इसको बजाने के लिए काफी दम लगती है, लेकिन हम भी एक बार बजाएंगे, बजा के देखेंगे। वो देखिए, वो आंटी बजाने की कोशिश करेगी। तो चलिए हम भी चलते हैं इसी रास्ते से। दोस्तों, इतने बड़े घंटे, अब मैं भी जाता हूँ इसे ट्राई करने के लिए। और भारी तो है ये बहुत ही, और मैं इसे बजाऊंगा ही। हाँ, ये भारी तो है काफ़ी, बहुत से लोग बजा नहीं पाते होंगे, लेकिन मैंने बजा लिया। अब जैसे एंट्री कीजिएगा, आपको दो सीढ़ियाँ मिलेगी, एक ऊपर जाने के लिए और एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। तो आपको लेफ्ट साइड वाली सीढ़ी लेनी है पहले, क्योंकि जो आपको गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ, तो उसकी अगर उसमें जाके पूजा कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड से जानी पड़ेगी। अगर आपको ऊपर जाना है पहले, तो आप राइट साइड से, जिससे हम अभी जा रहे हैं, आप उससे जा सकते हैं, लेकिन पहले नीचे वाला ही जाके पूजा करना चाहिए। कहेंगे यहाँ के लोकल लोग पहले नीचे वाले की पूजा करते हैं। देखिए, यही है मुख्य स्थान हनुमान जन्म स्थल, और यहाँ का नज़ारा और काफ़ी लोग आए हुए हैं आज के दिन यहाँ पूजा करने के लिए, और अंदर में काफ़ी भीड़ है। अब हम भी यहाँ पर लाइन में लगेंगे, और लाइन में लग के सीधे लाइन में लग चुके हैं। दोनों का अलग लाइन है क्या? एक ही लाइन है? पानी कहाँ से लगाएगी? कहीं मिल जाएगा पानी? अभी हम लाइन पर लग चुके हैं। ये देखिए, कितने लोग अभी लाइन पे हैं। हमारी बारी आएगी तो फिर हम मंदिर के अंदर जाएंगे। ये जो मंदिर है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत दूर से ही, लगभग 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर से ही आपको ये मंदिर नज़र आने लगेगी, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी के साथ उनकी माता अंजना माँ भी उनके साथ है, और यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था इसी स्थान पे। और ये बहुत मान्यता वाला मंदिर है, लोग यहाँ पे दूर दूर से पूजा करने के लिए आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। गाइस, फाइनली हमारी पूजा, जो मेन भगवान का जो स्थल था, हनुमान जी ने जहाँ जन्म लिया था, तो वहाँ पर हमने पूजा कर लिया। और उसके जस्ट बगल में ही यहाँ पर एक गुफा है, जो वो जिसे हम देखना चाह रहे हैं, तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, गुफा जाने के लिए यही रास्ता है। अब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, नीचे उतर के आपको दिखाते हैं
जहाँ पे गुफा है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं जो हमें गुफा जाना था, जो ये रास्ता वहीं पर है, ये जहाँ पर मेन मंदिर है उसके पीछे साइड में ये रास्ता है। ये देखिए यहाँ पर अब हनुमान जी को उसकी माता ने, अंजनी माँ ने गोदे में रखा है, जो हमें नज़र आ रही है। और यहाँ का नज़ारा देखिए काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि हम पहाड़ के काफ़ी ऊंचाई में हैं, जैसे आप लोग पहाड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हम, ये देखिए बहुत ही ऊंचाई में आप पहाड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये है यहाँ पे, ये हम यहाँ से जाएंगे और हनुमान जी और माता अंजना का दर्शन भी करेंगे। दोस्तों ये वही गुफा है जहाँ पे अंजना माँ ने हनुमान जी को जन्म दिया था, और हनुमान जी यहीं पर जन्म लिए थे, और ये वही गुफा है। अभी हम पंडित जी से इसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या सच में यहीं पर जन्म हुआ हनुमान जी का, और यहाँ की पूजा की विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। पंडित जी यहीं पर हनुमान जी जन्म लिए थे क्या? जो ऊपर में वो मंदिर तो देखिए ऊंचा स्थान है, इसलिए जो वहाँ यहाँ के ग्रामवासियों ने वहाँ झंडा लगा दिया। अच्छा, झंडा लगा दिया तो झंडा के बजरंग बाली की भी झंडा लगाते हैं, सब चीज की झंडा लगाते हैं, पर बजरंग बाली की झंडा पाली तो नहीं लगाते थे, सादा झंडा और लाल झंडा लगाते थे। उसके बाद में जो सूर्य पूजा करते थे, जब पूजा करते करते तो लोगों का जैसे जैसे बढ़ते गए, और मतलब कि बाद में जो है 1889 मंदिर बने, ये वाला मंदिर, और नीचे वाला है 80 का सीन, और वो जो नीचे में जो है यहाँ से उठा कर लिखिए कि ये उसका स्थान ये है। वहाँ हम देखे बजरंग बलिगंज जो कपड़ा उठा के रखे वहाँ माँ का पूरा ये है, वो इसी जगह थी। जब यहाँ से लोग ले गए, क्योंकि यहाँ से उसको उठा करके ले जाएगा चोरी होगा, वो काट पहुँचा के बहुत सारा को ले गए, सबकी जो है सब को ले गए यहाँ से ले गए वहाँ। हाँ हाँ, तो पहले ऊपर वाला पूजा करते हैं कि इधर नीचे वाला में आना चाहिए? पूजा तो कहीं भी कीजिए, पूजा कहीं भी करते, कोई बात नहीं, लेकिन प्रथम द्वार और फर्स्ट द्वार ही है। हाँ, नहीं समझ पाए ना, हम लोग आए तो दो रास्ता दिख रहा था, एक ऊपर जाने वाला एक इधर आने के लिए, तो ग्रामवासियों आएंगे, एरिया के लोग आएंगे, इस आसपास के चाहे भी, पहले यही बात है। चलो ठीक है, जानकार में का कीजिएगा, नारी कोई दिक्कत। हाँ सही बात, पर यहाँ के लिए दो प्रसाद लगता है कि यहाँ के लिए अलग, तो प्रसाद जो ये हो रहा है यहाँ के लिए अलग और वहाँ के लिए अलग। एक एक पक्ष लीची का ना ले दिया, दो भाग कर दिया, छह केला कर दिया, दो किले यहाँ, तीन किला वहाँ, फिर तीन किले यहाँ, दो किला, एक ठुक चढ़ा रखेगा पंच, रखना होगा नहीं रखेगा आपको, कौन चीज तो आप कहाँ पर रखना। गाइस फाइनली आप लोगों ने देखा कि बाबा जी ने हमें क्या बताया, कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मेन मंदिर यहाँ पे है, नीचे में गुफा के अंदर हनुमान जी और उनकी माता अंजना यहाँ मिलेंगे, और ऊपर में भी एक है, लेकिन वहाँ पे जैसे पंडित जी ने बताया, आप लोगों ने सुना, तो वहाँ पे पहले झंडा लगाया गया था, उसके बाद वहाँ पे उसके बाद मंदिर बनी है, और मेन मंदिर यहाँ पे। अगर आप ऊपर मतलब नीचे से ऊपर आएंगे तो जो लेफ्ट साइड वाली जो सीढ़ी है आप उसको पकड़ के पहले यहाँ पर आइए, पहले यहाँ पर पूजा करना है, उसके बाद फिर आप ऊपर पूजा कर सकते हैं। और प्रसादी जैसे पंडित जी ने बोला कि दो अलग अलग प्रसादी आप लेते हैं तो उन्हें पहले ही अलग कर लें और अलग अलग ही चढ़ाए, एक ही सदना चढ़ाए, तो पंडित जी ने हमें ऐसा बताया। और हमने हमारी पूजा तो हो गई है, काफ़ी अच्छा रहा, मैंने बहुत दिनों से यहाँ इस बारे में सुन रखा था, और लोगों का तथ्य है कि हनुमान जी ने यहाँ पर जन्म दिया था, और बहुत से लोगों का भी कहना है कि बहुत अलग अलग जगहों पर हनुमान जी ने जन्म हुआ हनुमान जी का, तो हमें तो पता नहीं, लेकिन हम जस्ट हमारे यहाँ रांची में, रांची झारखंड में है, तो ये हम आ गए हैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप भी अगर आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी सुकून भरा एहसास आपको, आप हर जगह आपको हनुमान जी का मंदिर दिखेगा, लेकिन अगर उनकी माता के साथ आप उनका मंदिर देखना चाहते हैं तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी हमारी पूजा तो हो गई, अब ये देखिए सीढ़ी, यहाँ से अब हम नीचे चल रहे हैं,
सुधीर से पूछते हैं कैसा लगा। कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया है जगह, बढ़िया जगह है सुधीर का कहना है। वैसे भी मज़ा आया, भाई को थोड़ा पैर में दिक्कत है लेकिन उसके बावजूद भी भाई आ गया मेरे कहने पे। चलिए भगवान उसे हेल्प करें, उसकी मदद करें, उसकी इच्छाएँ पूरी करें और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो उसके बाद हम और कहीं नई नई जगहों पर जाएंगे जहाँ पर उसे कोई तकलीफ ना हो। और यहाँ का जो नज़ारा है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो हम बारिश के समय में आए तो उसका खूबसूरती का नज़ारा और भी काफ़ी गुना बढ़ गया है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके फिर बताते हैं आपको, क्योंकि ये हमें प्रसादी भी पकड़ के चल रहे हैं। देखिए और काफ़ी सीढ़ी है, वैसे तो अभी नीचे पहुँच गए हैं लेकिन ठीक है, रखते हैं, हम आगे मिलते हैं। गाइस फाइनली हम नीचे आ गए हैं क्योंकि हमारी पूजा हो सकी, जैसे आप लोगों को बताया हमने। तो अगर आपको भी आना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये रांची से लगभग 120 किलोमीटर पड़ता है, तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप भी आ जाइए। ये सभी दिन खुली रहती है, आप आइए जो भी आपका दिन ठीक रहे। तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुकून भरा माहौल है, आप आइए आराम से अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और आप यहाँ पर अपनी कार से, अपनी बाइक से, किसी से भी आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे।